नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। यूपी बीजेपी की बैठक में डिप्टी सीएम का बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बयान, कहा जो आप कार्यकर्ताओं का दर्द है वही मेरा दर्द। साथ ही कहा सरकार से ऊपर हमारे लिए संगठन है। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जो आप कार्यकर्ताओं का दर्द है वही मेरा दर्द है। साथ ही कहा सरकार से ऊपर हमारे लिए संगठन है। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, जहां उन्होंने कहा जो आप कार्यकर्ताओं का दर्द है वही मेरा दर्द है। इस प्रदेश कार्य समिति में संगठन के वरिष्ठता का निर्देश और प्रदेश के नेतृत्व के सामने गया। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, सात कालिदास मां का दरवाजा। मैं अपने को माननीय कावड़ी जी बैठे हैं, माननीय अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राजकीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राजकीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। यूपी बीजेपी की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, जहां उन्होंने कहा सरकार से ऊपर हमारे लिए संगठन है। अमेठी में हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन, कहना है कि लगे नारे। मुसाफिर खाना में पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी, भड़काऊ नारेबाजी पर साधु संतों ने जताया आक्रोश। मोनी महाराज ने कहा आतंकी सोच के लोग दंगा कराना चाहते हैं, भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो हुआ वायरल। कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी, मुसाफिर खाना में पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी। अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जुलूस निकाला गया। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे, ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। इस तरीके से आतंकवादी सोच के लोगों का संगठन हिंदुस्तान के लोगों पर अपनी छाप डालता जा रहा है, इनकी जड़ें पाकिस्तान तक होती जा रही हैं, और ये हिंदुस्तान में रह करके इस तरीके की सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत कराना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से इनके साथ कोई बड़ी साजिश करने वाले लोगों का हाथ है। अल्पसंख्यक मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। आना मुसाफिर खाना अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी, मुसाफिर खाना में पुलिस की मौजूदगी में हुई नारेबाजी। भड़काऊ नारेबाजी पर साधु संतों ने जताया आक्रोश, भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो हुआ वायरल। कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। कन्नौज में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत, दो बच्चे हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के हसेरन कस्बे की घटना।
कन्नौज में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत। हादसे में दो बच्चे हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के हसेरन कस्बे की घटना। कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, डीसीएम और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पिकअप में सवार करीब 8 लोग हुए घायल। सौरिक थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की घटना। कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, डीसीएम और पिकअप की जोरदार भिड़ंत। पुरी में बाहुड़ा यात्रा को लेकर तैयारियां जारी। आज मौसीबाड़ी से मंदिर लौटेंगे भगवान जगन्नाथ। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ लौटेंगे मंदिर। 9 दिवसीय प्रवास के अंत का प्रतीक है ये यात्रा। पुरी में बाहुड़ा यात्रा को लेकर तैयारियां जारी। आज मौसीबाड़ी से मंदिर लौटेंगे भगवान जगन्नाथ। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ लौटेंगे मंदिर। 9 दिवसीय प्रवास के अंत का प्रतीक है यात्रा। सिद्धार्थनगर में बंद कमरे में बेहोशी की हालत में मिला प्रेमी जोड़ा। पुलिस और ग्रामीण ने दोनों को बचाया अस्पताल। युवक जिला अस्पताल में भर्ती, युवती की हुई मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लोटन कोतवाली के हरिवंशपुर चौकी का मामला। सिद्धार्थनगर में बंद कमरे में बेहोशी की हालत में मिला प्रेमी जोड़ा। पुलिस और ग्रामीण ने दोनों को पहुंचाया अस्पताल। युवक जिला अस्पताल में भर्ती, युवती की हुई मौत। श्रीनगर में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। शहर में गुरु बाजार से डलगेट तक निकला जुलूस। लगातार दूसरे वर्ष मिली अनुमति। प्रशासन ने आयोजकों से किया शर्तों का पालन करने का आग्रह। जिला मजिस्ट्रेट ने यादगार हुसैनी समिति के आग्रह पर दी अनुमति। श्रीनगर में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। शहर में गुरु बाजार से डलगेट तक निकला जुलूस। लगातार दूसरे वर्ष मिली अनुमति। प्रशासन ने आयोजकों से किया शर्तों का पालन करने का आग्रह। जिला मजिस्ट्रेट ने यादगार हुसैनी समिति के आग्रह पर दी अनुमति। उत्तराखंड में हरिद्वार में लोगों से भरी बस ने खोया नियंत्रण। पुल से नीचे गिरी बस, करीब 25 लोग घायल। मुरादाबाद रोडवेज की बस पुल से नीचे गिरी। यूपी के मुरादाबाद से देहरादून जा रही थी बस। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हरिद्वार में लोगों से भरी बस ने खोया नियंत्रण। पुल से नीचे गिरी बस, हादसे में करीब 25 लोग घायल। मुरादाबाद रोडवेज की बस पुल से नीचे गिरी। यूपी के मुरादाबाद से देहरादून जा रही थी बस। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।